यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बदले केआरके के तेवर। एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में छाए कमाल आर खान। केआरके यानी कि पंगेबाज फिल्म क्रिटिक और एक्टर कमाल राशिद खान आए दिन किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। केआरके अक्सर बॉलीवुड स्टार से पंगा लेते रहते हैं। दबंग सलमान खान से तो उनका 36 का आंकड़ा रहता है, सलमान से उनकी कभी नहीं पटती। जहां पहले केआरके अपना निशाना सिर्फ सलमान को बनाते थे, वहीं कुछ समय से वो और हस्तियों से भी पंगे लेते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी आता है। जहां बीते समय देश में हुए चुनावी रंग में केआरके ने योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा था कि अगर यूपी में योगी जी जीते तो वो हमेशा के लिए भारत छोड़ देंगे, वहीं अब केआरके ने अपने पूरे के पूरे तेवर ही बदल डाले हैं। कहां तो वो भारत देश छोड़ने की बातें कर रहे थे और वहीं उनके लेटेस्ट ट्वीट में तो उनके सुर ही बदलते दिख रहे हैं। दरअसल केआरके ने अपने ट्विटर हैंडल से एक लेटेस्ट ट्वीट किया है। केआरके ने अपने ट्वीट में लिखा, सर योगी आदित्यनाथ, मैं उस दिन भारत वापस आऊंगा जिस दिन आप देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि ये 2024 में ही होगा। ऑल द बेस्ट सर। केआरके का ये ट्वीट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे में लोग उन्हें ट्रॉल भी करने लगे हैं, जहां एक यूजर ने लिखा, अरे ये तो गिरगिट से भी तेज निकला रंग बदलने में। तो वहीं एक और ने लिखा, तब तो वो अपना नाम रशीद खान से रमेश खन्ना कर लेंगे। वहीं एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि आपकी याददाश्त कमजोर है या आप ढोंगी हैं। यूपी चुनाव में आपने बोला कि अगर सीएम योगी जी बनेंगे तो आप इंडिया नहीं आएंगे और योगी जी की ही सरकार बनी, और अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम करके आप इंडिया आने का सही तरीका अपनाए हैं। बता दें कि इससे पहले जब देश में 5 राज्यों को लेकर चुनावी माहौल चल रहा था, तब उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लेकर एक ट्वीट किया था, अगर यूपी चुनाव में योगी की हार नहीं हुई तो वो देश छोड़ देंगे। उन्होंने लिखा कि आज मैं वचन लेता हूं कि अगर 10 मार्च 2022 को योगी की हार नहीं हुई तो मैं फिर कभी इंडिया वापस नहीं आऊंगा। जय बजरंगबली। वहीं जब 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आए तो केआरके भी सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रॉल होने लगे। योगी समर्थक यूजर्स ट्वीट करके केआरके को अपना वचन याद दिलाने लगे थे। याद दिला दें कि पंगेबाज फिल्म क्रिटिक और एक्टर कमाल राशिद खान आए दिन किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। जहां केआरके कई बार सलमान खान के नाम के साथ विवाद से नाता जोड़ चुके हैं, वो सलमान खान की हर फिल्म पर अपने नेगेटिव रिव्यू को लेकर छाए रहते हैं। सलमान के अलावा उन्होंने अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, जैकलिन फर्नांडिस और अभिषेक बच्चन पर भी निशाना साधा था। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।